तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे टर्मिनेशन लेटर क्या होता है या फायर लेटर क्या होता है। जब आप किसी कंपनी से फायर्ड होते हो या कोई भी किसी भी कंपनी से टर्मिनेट होता है तो एक्चुअली में वो लेटर होता क्या, उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो दोस्त, जब आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते हो, किसी रीजन से वो कंपनी बंद हो रही हो, आपने कंपनी में मिसबिहेव कर दिया है, कंपनी से किसी ने कोई सामान या कोई एसेट चुरा दिया है, वहाँ से आपने अपने मैनेजर को कुछ गलत बोल दिया है या एचआर टीम से झगड़ा हो गया, या हो सकता है कंपनी लॉस में जा रही हो, तो कई रीजन हो सकते हैं टर्मिनेशन के। मतलब टर्मिनेट आप तभी किए जाओगे जब इनमें से कोई आपके पास कोई एक सॉलिड रीजन होगा, तभी आपको कंपनी टर्मिनेट करेगी। तो टर्मिनेट करने के केस में क्या होता है कि आपको एक लेटर मिलता है, और लेटर में ये डिपेंड करता है कि आपका जो टर्मिनेशन हो रहा ना वो किस तरीके से टर्मिनेशन हो रहा है। जैसे आपने कोई एसेट चुराया है तो उसमें लिखा होगा कि आप टर्मिनेट, आप मेरे यहाँ वर्किंग थे, आपकी डेजिग्नेशन ये थी और आपने कंपनी के इतने एसेट चुराए, इस वजह से कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है, या कंपनी का आपने ये एसेट चुराया टर्मिनेट कर रहा है, या हो सकता है आपने एचआर के साथ बदतमीजी करी हो तो इस वजह से आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के केस होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़े, बदतमीजी का जो और जो थेफ्ट के केस होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में स्विच करते हो तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बट सेकेंडरी क्या होता है कि एक टर्मिनेशन या फायर्ड, ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, टर्मिनेशन एंड फायर्ड दोनों सेम ही हैं। एक दूसरा क्या होता है कि जब कंपनी लॉस में जा रही हो या कंपनी बंद हो रही हो या कंपनी कहीं मूव हो रही हो, जहाँ पे आपने लोकेशन के लिए मना कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है कि जब कंपनी लॉस में जा रही होती है, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, होते हैं कंपनी बंद हो रही होती है, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी आपको लिख के देती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी आपको लिख के दे, पर आप कंपनी को बोल सकते हो कि अगर आप अपने एंड से टर्मिनेट कर रहे हो तो मुझे वो सारी चीज़ें रिटर्न में चाहिए, आप मुझे भले ही टर्मिनेट कर दो लेकिन वो चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए, चीज़ों में क्या उसमें थिंग्स होनी चाहिए मेंशन कि जो कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर दे रही है उसमें ये आपका नाम मेंशन होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए, कब से कब तक आपने काम किया उसमें वो मेंशन होना चाहिए, और प्लस में ये मेंशन होना चाहिए कि कंपनी लॉस के कारण आपको बाहर निकाल रही है, या कंपनी को बंद कर रहे हैं इस वजह से हम बाहर निकाल रहे हैं, या कंपनी आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रही है या किसी दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो रही है, या कंपनी को कोई एक्वायर कर रहा है। इस केस में आप उस कंपनी को ये अप्रोच कर सकते हो, उस कंपनी से ये बोल सकते हो कि आप जो टर्मिनेशन दे रहे हो उस टर्मिनेशन में ये मेंशन करो कि कंपनी लॉस की वजह से फायर कर रही है या कंपनी बेचने की वजह से आप फायर करो। तो ये जब चीज़ें आप मेंशन करवा लेते हो तो आपको जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है, जब आप नेक्स्ट जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।